की पहली किरण कहाँ पे बन रही है, ग्लेशियर के उन पहाड़ पे, तो वहां पे त्रिशूल बन रहा है। उससे भी ज्यादा जो सोने पे सुहागा, मैं नहीं, मैं हूँ सोने पे सुहागा। 15 से 20 डिग्री का फर्क है। मौसम बदल गया और भाई बारिश इतनी जोर की हो गई यहाँ पे स्टार, और सामने पूरी ग्लेशियर हिमालय रेंज दिख रही है। ये देखो भाई आवाज आ रही होगी तुमको, जिसमें मशीन आता है, जिसमें आपका टिक्की टिक्की। पार्टी को जो सबसे ज्यादा खास बना रही है ना वो ये चीज है, देख लो यार, ये देखो। और उससे भी ज्यादा जो सोने पे सुहागा, मैं नहीं, मैं हूँ सोने पे सुहागा। आप और मैं तो है ही। सामने ये हिमालयन रेंज, इसे त्रिशूनी कहा जाता है। देखो तीन है वहां पे, तीन हिम जो है, एक तरीके का कह सकते हो आप एवरेस्ट की तरह, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नहीं है बदले, बट ये है हिमालयन रेंज। भाई इस टाइम पे तो मौसम ही बदल रहा है भाई, देखो यार मौसम बदल रहा है वो देखो। और वाकई में उस भाई ने जो कहा था ना वो सच है कि लगभग 15 से 20 डिग्री का फर्क है। ठंड लगने लग रही है भाई अब, चलो ठीक है। मौसम बदल गया और भाई बारिश इतनी जोर की हो गई यहाँ पे स्टार, देखो और भाई वो बारिश इतनी जोर की वहाँ से चल के आ रही है भाई तेज पूरी, और ऊपर जो है छत पे इतनी जोर की गड़गड़ हो रही है। देखो भाई बंदर भी आ गया, बंदर भाग रहे भाई साहब। मौसम एक ही बार बदल गया भाई, एकदम से ही मौसम बदल गया। ये देखो भाई हमारे भाई चैंपियन बन रहे थे, ठीक है, जैसे देखा ना बारिश तेज हो गई है तो भाई हिसाब ठंड के देखो करके देखो, ये देखो भाग रहे, देखो पता नहीं चलेगा तो ठंड हो रही है। मौसम बदलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ठंड हो गई भाई, ठंड एकदम से टेम्परेचर बिल्कुल बदल गया और टेम्परेचर गिर गया, बहुत गिर गया भाई, यानी वो सही कह रहे थे। और ऊपर से बारिश और भाई बिजली कड़क रही है यार। और सामने पूरी ग्लेशियर हिमालय रेंज दिख रही है, ये देखो भाई आवाज आ रही होगी तुमको, भाई साहब आवाज भाई इतनी जोर की है यार। ये तो बचपन वाली आपकी यादें जैसी लग रही है, तभी खाते और सभी होता है पकड़ता है ना, लेकिन यह की जब ज्यादा घना पड़ता जम जाए, साफ वाला बर्फ हो, हाँ साफ साफ ऊपर वाला, हाथ तो यहाँ तो हो जाता है। अच्छा जी, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि दिसंबर में बर्फ गिरता है, तो आप हर बार घूमने के लिए जून तक और महंगा हो जाएगा। हाँ बाइट वाले तो कह रहा हूँ दिख रहा है, कौन सी बात कर रहा है ये वाली देख, यहाँ यही तो कह रहा हूँ ये वाला, हाँ हाँ क्लियर दिख ही नहीं रहा था मेरे को, हाँ इस वजह से क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही थी ना और बादल थे, अब यहाँ पे बादल हट गए तो सूरज की रोशनी की देखो वहाँ पे पड़ रही है, अब दिख रहे हैं, ये देखो अब दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिख रहा है तो अब देखो वो जो हिमालयन रेंज है और जो ग्लेशियर है वो कितना क्लियर दिख रहा है वहाँ पे, बहुत क्लियर, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पास भी बहुत हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो हमारा इस ट्रिप का जो बाइक ट्रिप जो चल रहा है इसका हमारा डे 3 स्टार्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर इस टाइम पे कोसानी के अंदर हैं और
आपके लिए एक दोबारा से एक ऐसी वीडियो बनाई जा रही है जहाँ पे जो सूरज देवता है वो आपको उगते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे भाई यहाँ पे पूरे पूरे काम कर रहे हैं। भाई इनको जरा बताओ यार क्या करते हो आप? पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ करते पैसा कमाओ पैसा उड़ाओ। सामने का जो व्यू है ना बाहर बहुत ही अमेजिंग है। ये देखो इधर से ये जो सनराइज होगा ठीक है, और ये देखो ये जो है ना ग्लेशियर है, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे ये ग्लेशियर है। वीडियो के अंदर आपको जो है थोड़ा सा दूर से दिखाई दे रहे होंगे बट लेकिन हमारे यहाँ से जो है बहुत पास दिख रहे हैं। तो अब यहीं से जो है सूरज जो है सनराइज़ करेगा और इसके लिए अभी जो है एक वीडियो बना रहा हूँ टाइम लैप्स के अंदर, तो बहुत जल्दी ऐसे जल्दी जल्दी इसके अंदर वो जो है आपको राइज होते हुए दिखाई देगा। तो इस टाइम पर देखो बाहर का जो व्यू है, सुबह सुबह 5:30 बजे का वक्त है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यू है यार, मज़ा आ रहा है। तो अब चलो एक बार वीडियो बनाते हैं सूरज के उगते हुए की। त्रिशूल उदोरा, ये जो दिख रहा ना यूं करके वही त्रिशूल है। क्या दिख रहा है वो दिख रहा ना वो त्रिशूल, और ये देखो हमको कहाँ नहीं दिख रहा है। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू। तो ये देखो सनराइज हो गया, बहुत ही प्यारा व्यू यार। और देखो सूरज की पहली किरण कहाँ पे पड़ रही है, ग्लेशियर के उन पहाड़ पे, तो वहाँ पे त्रिशूल बन रहा है। ये जो त्रिशूल है ये तीन जो पहाड़ है वो देखो 1, 2, 3, थोड़ा सा वीडियो में आई थिंक शो नहीं कर रहा हूँ मे बी, बट यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं इसका जो है ऊपर ही अगर हुआ तो मैं थंबनेल डाल दूँगा ऊपर कि त्रिशूल के ऊपर जैसे ही किरण किरण पड़ती है सूरज की पहली तो वो कैसा दिखता है। और देखो यार ये देखो, ये देखो यार बहुत ही प्यारा व्यू है। और अब तो अभी लगभग 6 बजे अभी, ये देखो और जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना ये ग्लेशियर है, इनके ऊपर इतनी बर्फ है ना बहुत ज़्यादा। ये देखो अब सूरज की किरण कैसे कैसे इन पहाड़ों पे टच कर रही है, अमेजिंग यार बहुत ही अच्छा। सुबह के टाइम की बात ही अलग है यार, जैसे सूरज की पहली किरण देखोगे और वो भी पहाड़ों पे लगती हुई। सो गाइस ये जो है सूरज की पहली किरण ही जो है चेहरे पे पड़ रही है और आप देख सकते हो चेहरा जो है कैसे रेड और वाइट के अंदर आ रहा है। तो यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे जैसा नागरकोट के अंदर था, नागरकोट से बहुत डिफरेंट है यार यहाँ पे कसौनी में, ठीक है। यहाँ पे तो पहाड़ इतनी पास दिख रहे हैं ना, वो तो वहाँ पे तो बहुत दूर दिख रहे थे, यहाँ पे तो पहाड़ ही बहुत पास दिख रहे। देखो ये देखो ग्लेशियर इतना पास दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा पास दिख रहा है यार ग्लेशियर। ओहो तो अब हम मिलते हैं 4 घंटे के बाद में, हम जो है अब हम निकलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं जो यहाँ पे चाय के बागान है वो देखने और जो जहाँ पे शॉल बनती है वो देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के अंदर, तो तब तक के लिए कीप लाइक कीप शेयरिंग और कीप कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और जो रेड वाला जो बटन है उसे प्रेस कर दो और घंटी भी दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग के अंदर, हर हर महादेव।